हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग विजन आईएएस की मंथली मैगजीन जो कि मई 2023 की है उसको कवर कर रहे हैं, और जिसमें लगभग 9 से 10 क्लासेस हो चुकी हैं और 3 सेगमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। पॉलिटी एंड गवर्नेंस कंप्लीट हो गई है, इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट हो चुका है, और इकोनॉमी को भी हमने बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। और आज हमारा टॉपिक रहेगा दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड। तो हमारा आज फोर्थ सेगमेंट शुरू हो रहा है, और आप में से मेरे बहुत सारे प्यारे भाई बहन स्टूडेंट्स मुझसे लगातार यह पूछ रहे हैं कि सर जून की कब आएगी मैगजीन, या अप्रैल की क्यों नहीं करा रहे हैं, या जुलाई की क्यों नहीं करा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, विजन आईएएस की जो मैगजीन है वो 2 महीने डिले चलती है। अगर हम जुलाई के महीने में स्टडी कर रहे हैं तो मई की ही मिलेगी। आप चाहे तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जाके देख सकते हैं। और जैसे ही हम अगस्त में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 2-3 दिन बाद, 2-4 दिन में, तो वहाँ पे आपको जून की भी मैगजीन आ जाएगी। तो मेरी पूरी फोकस रहेगा, पूरी कोशिश रहेगी कि अब आपके लिए रेगुलर बेस पे मंथली मैगजीन को कवर किया जाए। और हिंदी मीडियम में इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा, जहाँ पे मंथली मैगजीन को बहुत ही बेहतर तरीके से प्रीलिम्स और मेंस को ध्यान में रखते हुए क्लैरिफाई और डिटेल से समझाया जाए। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं और सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए, और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर अगर वो लिंक ओपन नहीं होता तो ग्लांस एकेडमी ऑफिशियल करके आप लोग सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। वहाँ पे अपडेट्स, न्यूज़पेपर्स और भी बहुत सारी वैकेंसी की डिटेल्स सभी कुछ वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की। एनवायरमेंट का सेगमेंट है, फोर्थ सेगमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग आज कल पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन। क्या है आज का हमारा टॉपिक? यह आपका है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और डीकार्बोनाइजेशन होता क्या है पहले तो ये समझना चाहिए हमें। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे छोटा सा एक टर्म्स दिया हुआ शब्दावली को कि विकार्बनीकरण या डीकार्बोनाइजेशन, यानी वायुमंडल में पहुंचने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने या उसकी मात्रा में कटौती करने की प्रक्रिया को ही डीकार्बोनाइजेशन कहते हैं। अर्थात क्या होता है कि जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रही है उसको या तो कम किया जाए, या उसकी मात्रा में कटौती की जाए, या किसी भी व्यवस्था से उसको हटाने का प्रयास करना ही डीकार्बोनाइजेशन या विकार्बनीकरण होता है। तो यहाँ पर जो आपका टाइटल है, टाइटल क्या है टॉपिक का, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन करना है। अर्थात कि भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सारे ऐसे घटक हैं, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जिनके माध्यम से कार्बन का उत्सर्जन अधिक से अधिक हो रहा है और वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों का वो कारण बन रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कुछ ऐसी नीतियां सरकार के द्वारा लाई जा रही हैं, कुछ ऐसे पहलू लाए जा रहे हैं, कार्य प्रणाली लाई जा रही है, टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, जिसके माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था को नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर आधारित किया जाएगा। पेट्रोलियम और जीवाश्म ईंधन के संसाधनों से अलग करके कार्बन के उत्सर्जन को कम करने का प्रयास किया जाएगा। तो यही इसके टॉपिक की मेन थीम है, और इसी से संबंधित हम पूरी जानकारी को प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए पढ़ेंगे। इस बार जो मेरे छात्र यूपीएससी या फिर यूपीपीसीएस का मेंस दे रहे हैं, तो हो सकता है उनके लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो, और वहाँ से जब प्रश्न पूछेगा तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। तो देखते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशन में एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी ने द ग्रीन शिफ्ट द लो कार्बन ट्रांजिशन ऑफ इंडियाज ऑयल एंड गैस सेक्टर शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। तो जो रिपोर्ट जारी की गई है एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी के तहत, वो क्या कहता है? वो कहता है कि हमारे देश में जो भारतीय अर्थव्यवस्था चल रही है उसमें कार्बनाइजेशन बहुत है। कार्बनाइजेशन मतलब हम इंडस्ट्री में ऐसे घटकों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे वायुमंडल में कार्बन क्या हो रही है, CO2 जो है अधिक से अधिक मात्रा में उत्सर्जन हो रही है, और हमें इसी CO2 को कम करना होगा, या फिर हम उसकी कटौती करें, या फिर हम उसे वायुमंडल में निष्कासित ना करके उसको स्टोर करें। तो इसके लिए रिपोर्ट्स आई हैं, एक तैयार की गई है। और अगर हम बात करें कि देश की रिपोर्ट, अगर हम देखें कि रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की कुल ऊर्जा क्षमता में हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापी, ज्वारी ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा समाधानों को अपनाए जाने पर केंद्रित किया गया है। कहने का मतलब हो गया कि रिपोर्ट कह रही है कि आपको डीकार्बोनाइजेशन अगर करना है तो स्वच्छ ऊर्जा जैसे टेक्नोलॉजी को, या स्वच्छ ऊर्जा पे हमें आधारित करनी होगी अपनी अर्थव्यवस्था, जिसमें आपका हाइड्रोजन आता है, जैव ईंधन आता है, परमाणु ऊर्जा, भूतापी, ज्वारी ऊर्जा, ये सभी चीज़ों को हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। कुल ऊर्जा क्षमता में आपका गैर नवीकरणीय स्रोत भी होते हैं और नवीकरणीय संसाधन भी होते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होती हैं, जैसे आपकी सन एनर्जी होती है, हाइड्रोजन, जैव ईंधन, परमाणु, भूतापी, ज्वारी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन सभी को नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। जबकि गैर नवीकरणीय में क्या होता है, जीवाश्मिक ईंधन होते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल,
क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, तो इन सभी चीज़ों पे जो है कि क्या होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था जो आधारित है, इसकी आधारिता यानी इसकी जो निर्भरता है उसे हमें कम करना होगा और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ना होगा, जो स्वच्छ एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, CO2 का उत्सर्जन कम होगा और भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन किया जा सकेगा। अब अगर हम आगे देखते हैं यहाँ पे, तो एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित इस पहल से भारतीय अर्थव्यवस्था के डीकार्बोनाइजेशन को बढ़ावा मिलेगा और इससे एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी संभव हो सकेगा। क्यों इसकी आवश्यकता पड़ रही है डीकार्बोनाइजेशन की, तो पहली चीज़ की ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या करना चाहिए कि अपनी इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी से कार्बन उत्सर्जन करने वाली टेक्नोलॉजी को हटाना चाहिए, ईंधन को हटाना चाहिए और रिप्लेस करना चाहिए नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों से। कहा भी जाता है कि सदी के अंत तक पृथ्वी का औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर की तुलना में 2.7 से 3.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा और वर्तमान में ही अगर हम देखें 2.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो तापमान है, यानी ग्लोबल वार्मिंग इतनी अधिक हो रही है कि इससे हार्मफुल डिजीजेस हो रही हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, तापमान जो है कि पृथ्वी का लगातार बढ़ रही है, गर्मी की जो समय सीमा है जो आपके अप्रैल से शुरू होकर अक्टूबर तक चली जा रही है, 6 महीने की पूरी गर्मी देखने को मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के कारण बन रहे हैं। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग को निश्चित करने के लिए या कम करने के लिए हमें डीकार्बोनाइजेशन करना पड़ेगा। तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। और ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने के लिए जो पेरिस समझौता हुआ था उसके लक्ष्य को, पेरिस समझौता जो 2015 में हुआ था आपका, उसके लक्ष्य को प्राप्त करना भी जरूरी है। तो अगले 8 वर्षों में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन लगभग 50% तक कमी की जाएगी। अगर हम पेरिस लक्ष्य की बात करेंगे, अगर हम उस पर भी फोकस करें, तो 50% तक हम लोग ग्रीन हाउस गैस को कम कर सकेंगे। वहीं दोस्तों अगर हम बात करेंगे दूसरा कारण क्या है, तो जलवायु परिवर्तन से संबंधित, देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक अलग फैक्टर है और क्लाइमेट चेंज का एक पार्ट हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग, न कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग एक ही शब्द नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज को एक समझ लेते हैं, जबकि ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मीथेन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत सारे इम्पैक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपका क्लाइमेट चेंज का जो इम्पैक्ट होता है वो ग्लोबल वार्मिंग भी होता है। अगर हम 2019 की रैंकिंग की बात करेंगे तो भारत जो है कि ग्लोबल वार्मिंग और साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज से परिवर्तित प्रभावित होने वाले 7वें स्थान पर देश में था। 75% से अधिक जिलों को जलवायु संबंधी चरम घटनाओं के हॉटस्पॉट के रूप में वर्गीकृत किया, जहाँ पे सूखा पड़ा या तो बाढ़ हो गई, समुद्र और ग्लेशियर के पिघलने से, समुद्र के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की समस्या देखने को मिली, या फिर चरम सूखा की घटना होने से खाद्य संकट हुआ, गरीबी हुई, कृषि का जो है कि हतोत्साहित हुआ यानी कि कृषि का प्रोडक्शन गिर गया, तो ये सारी समस्याएं हुई, जैसे सूखे और बाढ़ की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई। वहीं तीसरा हमारा कारण है डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए कि ऊर्जा मांग में वृद्धि के साथ साथ निवल शून्य उत्सर्जन को हासिल करना। जैसे जैसे एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो हर जनसंख्या को यानी हर व्यक्ति को ऊर्जा चाहिए अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए, अपने घर में पंखा चलाने के लिए, अपने घर में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स चलाने के लिए और अंधेरे से बाहर निकलने के लिए यानी बल्ब जलाने के लिए। तो जो एनर्जी की डिमांड हो रही है दोस्तों, इसके लिए भी हम जो आपका जीवाश्मिक ईंधन है जिनकी संख्या निश्चित है, सीमित है, सीमित भंडार हैं, उस पर आधारित रहेंगे तो आगे की पीढ़ी के लिए ये खतरनाक या विषम परिस्थिति पैदा कर सकता है। इसलिए अगर हम डीकार्बोनाइजेशन करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और आपका जो है कि ये जो पवन चक्कियाँ वगैरह होती हैं या परमाणु भट्टी होती है, भूतापी एनर्जी होती है, तो इनके माध्यम से हम आगे की पीढ़ी के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को निश्चित कर सकेंगे और 2070 तक हमने निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की बात की है। COP26 जो ग्लासगो में हुआ था UK में, वहाँ पे भारतीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, मोदी जी के द्वारा पंचामृत रणनीति दी गई थी और इसी COP26 में पंचामृत रणनीति के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2070 तक टारगेट रखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा निवल शून्य यानी नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। अब यहाँ पे उत्सर्जन का मतलब ये नहीं है दोस्तों नेट जीरो का कि इंडस्ट्री बंद हो जाएंगी, सारे जो औद्योगिक इकाइयाँ वो सारी की सारी बंद हो जाएंगी और कार्बन का उत्सर्जन नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेट जीरो का मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हमने 1 टन
हमने 1 टन अगर कार्बन का उत्सर्जन किया है वायुमंडल में, तो हम 1 टन कार्बन को जो है कि संचित भी करेंगे, यानी कार्बन सिंक का प्रयोग करेंगे कि किसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम कार्बन का क्या करेंगे, शोषण करेंगे, अर्थात कि अवशोषण करेंगे, और उस वायुमंडल में जो हमने 1 टन कार्बन का उत्सर्जन किया था उसे हम उसी वायुमंडल से खींच के एक स्टोर करेंगे, अर्थात जितना आपने छोड़ा है उतना ही आपने एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो इसी को कहते हैं नेट जीरो की संकल्पना। तो ये 3 कारण हो गए। और अगर हम आगे देखते हैं, इसके बाद अगर हम भारत की कार्बन उत्सर्जन की प्रोफाइल देखेंगे, तो भारत दुनिया में 3रा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन के लिस्ट में आता है। अब आप सोचिए, सबसे पहले कौन आएगा? चाइना आएगा, फिर USA आएगा, फिर उसके बाद इंडिया आएगा। तो 3रे नंबर पे, यानी दुनिया में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़े उत्सर्जक के रूप में है। और ऐसे में भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन करना एक टॉपिक महत्वपूर्ण हो जाता है आपके मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। अगर हम बात करें कि दुनिया की कुल आबादी का 1/6 हिस्सा भारत में निवास कर रहा है, और जिसके द्वारा कुल वैश्विक उत्सर्जन के केवल 3.3 के लिए ही जिम्मेदार है, जो कि यह भी एक भारत की नकारात्मक छवि को दिखाता है। क्या दिखाता है? कि पूरी दुनिया की 1/6 आबादी 3.3% लगभग कार्बन उत्सर्जन कर रही है पूरी दुनिया का, वैश्विक उत्सर्जन का, जिसमें भारत 3रे नंबर पे है। और इस स्थिति को हमें सही करके, भारत को पहले दूसरे पे नहीं, पहले दूसरे का तो मतलब है जो सबसे अधिक उत्सर्जन कर रहा है, हमें भारत को इस लिस्ट में सबसे अंतिम स्थान पर ले जाना है ताकि भारत एकदम नेट जीरो लक्ष्य की ओर बढ़ सके। तो एक तो ये चीज़ें हैं। अब आप समझ पा रहे होंगे कि डीकार्बोनाइजेशन क्या होता है और डीकार्बोनाइजेशन हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, साथ ही साथ आप देखें ऊर्जा की मांग में भी निवल शून्य का टारगेट रखा गया है। तो ये जो एक कनेक्टिविटी के साथ आपको मैगजीन पढ़नी चाहिए, वो आप इसी तरीके से पढ़ सकते हैं, और इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेहद ही अच्छी तरीके से समझाया जाता है। अगर आप लोगों को कोई अपनी क्वेरी पूछनी है तो मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं जो चैनल के अबाउट सेक्शन में है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल का एक डिस्कशन ग्रुप है उस पे। आगे देखते हैं, प्रमुख क्षेत्रक की बात करेंगे तो भारत में ऐसे कौन सी इंडस्ट्री सेक्टर है जिसके माध्यम से उत्सर्जन अधिक हो रहा है। तो भारत का कुल उत्सर्जन 2.7 गीगा टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है, जो भारत का उत्सर्जन है, और अधिकांश उत्सर्जन के लिए औद्योगिक और विद्युत क्षेत्र, क्योंकि भारत में हर घर में ऊर्जा की जरूरत है, हर घर में विद्युत पहुंचाना हमारे भारतीय सरकार का टारगेट है, क्योंकि हर व्यक्ति को अंधेरे में रहने का अधिकार नहीं बल्कि प्रकाश में रहने का अधिकार है, और इसके लिए हमें एनर्जी की ज़्यादा डिमांड होती है। और आप देखेंगे भारत में जो बिजली उत्पादन होते हैं, बहुत सारे प्लांट जो कोयले पर आधारित हैं, और कोयला सबसे अधिक कार्बन का उत्सर्जन करता है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और इंडस्ट्री के माध्यम से हम अपनी औद्योगिक इकाइयों के माध्यम से अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को जो है कि प्राप्त करते हैं, उसका प्रोडक्शन करते हैं, मार्केट में सामान को खरीदते हैं, तो ये भी एक जरूरी है, जिसमें स्पेशली स्टील और सीमेंट की जो इंडस्ट्री हैं ये सबसे अधिक प्रोडक्शन करते हैं, लगभग 1/3, और बाकी 1/3 का उत्सर्जन विद्युत क्षेत्र का परिवहन के द्वारा होता है, यानी जो बिजली पैदा करने वाले जो प्लांट हैं और परिवहन है, जो प्राइवेट सेक्टर के जो घरों में गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल हैं, फोर व्हीलर हैं, ट्रक हैं, बस हैं, इनके द्वारा भी जो पैदा किया जा रहा है, यानी कार्बन उत्सर्जन किया जा रहा है, तो 1/3 कार्बन उत्सर्जन बिजली सेक्टर और 1/3 स्टील और सीमेंट क्षेत्र, और बाकी जो बचता है 1/4 क्षेत्र या उससे भी कम, लगभग 17% कृषि और संबद्ध गतिविधियां। अब जैसे कृषि में अगर आप पशुपालन कर रहे हैं तो आप देखेंगे जो गाय या भैंस खाना खाने के बाद जो मुंह चलाती हैं अपना, जिससे वो अपने भोजन को पचाती हैं, तो उनके जो झाग बनते हैं उसमें भी मीथेन का उत्सर्जन होता है। वहीं धान की खेती में भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। कृषि की गतिविधियां, जिससे मिट्टी की खुदाई करने से, मिट्टी को जोतने से क्या होता है, उसकी प्लोइंग करने से, तो वहां से भी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तो यही वजह है जिसकी वजह से कार्बोनाइजेशन अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, और ऐसी स्थिति में भारत डीकार्बोनाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे कौन कौन से सेगमेंट हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत डीकार्बोनाइजेशन की ओर आगे बढ़ रहा है? कहने का मतलब हो गया CO2 को कम करने के लिए कौन कौन सी प्रतिबद्धताएं या कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो हमें पता चले कि हाँ, ये CO2 जो है कि अब कम हो रही है। तो जैसे भारत के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, भारत को स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा, तब जो है कि डीकार्बोनाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, जिसमें पंचामृत रणनीति के तहत कहा गया था मोदी जी के द्वारा COP26 में कि 2030 तक
50 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 50 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन अर्थात नवीकरणीय ईंधनों का जो है कि स्थापना की जाएगी, और वहीं सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं भारत में मौजूद हैं। इसीलिए भारत आईएसए का जो मुख्यालय है वो गुरुग्राम में है। इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन मतलब अलायंस जो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, और इसमें कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच रहने वाले जो देश हैं जिन पे सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ पे ये सोलर एनर्जी का प्रयोग करके नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो भारत इसके लिए भी काम कर रहा है लगातार, वहीं संसाधनों की खोज भी कर रहा है, क्योंकि भारत भविष्य में बड़े पैमाने पर ऊर्जा के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, भारत की ऊर्जा आवश्यकता बहुत है, तो कितना जो है कि ऊर्जा के लिए क्रूड ऑयल को आयात करेगा, क्योंकि भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा क्रूड ऑयल को खरीदने में चला जाता है बजट का। अगर उस पैसे को भारत अपने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अगर लगाता है तो काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन यह तभी संभव होगा जब भारत अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनेगा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्यों को प्राप्त करेगा। उसे ईरान, यूएसए, रसिया जैसे देशों से तेल को खरीदना नहीं पड़ेगा, तेल आयात नहीं करना पड़ेगा, हमारे यहाँ खुद ही नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में संसाधनों की खोज भी करनी बहुत ज़रूरी है, वहीं ऊर्जा की दक्षता और किफ़ायती ऊर्जा भी प्राप्त होनी चाहिए जो आपके SDG को फोकस करती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या कहता है कि ऊर्जा की एफिशिएंसी भी होनी चाहिए और एक अफोर्डेबल एनर्जी होनी चाहिए। आज घरों में जो हमारे मीटर लगे हुए हैं, बिजली लगे हुए हैं, आज हम यूपी की सबसे महंगी बिजली विभाग है, यूपी में सबसे महंगी बिजली है। आप ये मानिए कि एक यूनिट का आप लोग 6 से 7 रुपये पेमेंट करते हैं, वहीं दिल्ली में आप देखेंगे 200 यूनिट तक फ्री है। अदर स्टेट्स में आप देखेंगे तो कहीं 3 रुपये, कहीं 4 रुपये, कहीं 1 रुपये तक बिजली के रेट हम लोग देते हैं। आप लोगों के घरों में जो बिजली का बिल आता है, आप लोग भी कभी कभी परेशान हो जाते होंगे कि कितना हम लोग बिल भरें, क्योंकि कूलर भी चलाना है, AC भी चलाना है, पंखा भी चलाना है, लैपटॉप भी चार्ज करना है, मोबाइल भी चार्ज करना है, फ्रिज भी चलाना है, इंडक्शन भी चलाना है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं हमारे घरों में जिसकी वजह से एनर्जी की लगातार डिमांड हो रही है। तो किफ़ायती ऊर्जा भी मिलनी चाहिए, और ये कब होगा, जब भारतीय सरकार के द्वारा या भारतीय समाज के द्वारा, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा पे बल दिया जाएगा, नवीकरणीय ऊर्जा का पालन किया जाएगा, उसका प्रयोग किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा, तो कहीं जाके हम कह सकते हैं कि इसकी दक्षता जो है कि होगी, एफिशिएंसी भी, और साथ ही साथ ये सस्ती भी होगी, अफोर्डेबल भी होगी। और इसी के साथ इसमें इनोवेशन और टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। प्रौद्योगिकी से संबंध अगर आप देखेंगे कि प्रौद्योगिकी से संबंधित जो उपकरण और हार्डवेयर की घरेलू क्षमता में वृद्धि की जाए, यानी कि इनके प्रोडक्शन के लिए, तो बेहतर रूप से तैयार की गई उत्पादन से संबद्ध यानी प्रोडक्शन लिंक्ड जो होती है प्रोत्साहन जो योजना है, जो कि PLI 1.0 2021 में शुरू की गई और PLI 2.0 2023 में शुरू की गई है अभी लेटेस्ट, तो इसके कारण भी हम इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को जो है कि बढ़ा सकेंगे। वहीं इंडस्ट्री का ट्रांजिशन अर्थात उद्योग क्षेत्र में ऊर्जा का काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, तो अब यह क्षेत्र धीरे धीरे ऊर्जा की आवश्यकता के लिए विद्युत या प्राकृतिक गैस जैसे स्रोतों के उपयोग की ओर आगे बढ़ रहा है। तो नवीकरणीय ऊर्जा को भी जो है कि इसमें प्रयोग करना चाहिए। वहीं COP 26 के दौरान जो कि ग्लासगो में हुआ था, उसके दौरान जो पंचामृत रणनीति थी, वो 5 रणनीतियाँ कौन सी थी जो मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, और ये प्रीलिम्स में डायरेक्ट UPSC पूछ सकता है या UPPCS भी पूछ सकता है। पहली रणनीति थी कि 2030 तक हम 50%, ध्यान दीजिएगा, ऊर्जा की आवश्यकताओं के 50% को नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे। इसको जूम कर देता हूँ मैं यहाँ पे, आप समझ पाएंगे आराम से। अब देखिए कि 2030 तक अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं के 50% को हम नवीकरणीय ऊर्जा के माध्यम से पूरा करेंगे। वहीं 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा की क्षमता को डेवलप करेंगे, स्थापित करेंगे, और 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन के में 1 अरब टन की कटौती भी की जाएगी। साथ ही साथ 2030 तक भारतीय अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को घटाकर 45% से भी कम किया जाएगा, और 2070 तक निवल शून्य या नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। तो ये इसकी 5 रणनीतियाँ थीं जिसको पंचामृत रणनीति का नाम दिया गया था COP 26 जो कि ग्लासगो में हुआ था। आगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ इस्पात और सीमेंट जैसे कुछ क्षेत्रों में आज भी बड़ी मात्रा में कोयले का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसे रोकना जरूरी है। इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्टेशन यानी जो परिवहन के साधन है उसमें इलेक्ट्रिक वाहनों को जो है कि अपनाने की दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है। केंद्र सरकार ने बजट में और राज्य सरकार ने भी अपने बजट में इलेक्ट्रिक वाहन को खरीदने वाले लोगों को कुछ छूट दी, यानी 5,000, 10,000, 25,000 इतने तक का जो है कि ऑफर दिया कि अगर आप इलेक्ट्रिक ई रिक्शा या 3-व्हीलर खरीदते हो, 2-व्हीलर खरीदते हो, तो आपको 5,000, 10,000 रुपये की छूट मिलेगी, यानी मोटिवेट किया जा रहा है। और साथ ही साथ
पूरे भारत का सबसे बड़ा जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है वो गुरुग्राम में बनाया गया, जहां लगभग एक साथ 550 इलेक्ट्रिक व्हीकल वाहनों को जो है कि चार्ज किया जा सकेगा। तो लगातार भारत क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट की तरफ भी अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। वहीं राष्ट्रीय कार्बन बाजार होगा और वैकल्पिक ईंधन और अपशिष्ट से ईंधन आधारित अर्थव्यवस्था पर भी फोकस किया जा रहा है। कैसे? एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम के तहत 10% एथेनॉल मिश्रण का हासिल जो लक्ष्य था वो 2022 तक भारत ने ले लिया और 2025 तक 20% का टारगेट रखा है, जो कि पहले 2030 तक था, अब इसको घटा के 20% का टारगेट को 2025 तक कर दिया गया है और 2030 तक 5% बायोडीजल का भी लक्ष्य रखा गया है मिश्रण करने के लिए। तो इसके द्वारा क्या हो रहा है, अपशिष्ट जो हमारे खेतों के जो अपशिष्ट बच जाते हैं या जो फसलों को हम पैदा करते हैं जट्रोफा गन्ने इन सबसे, तो यहाँ पर हम एक अल्टरनेटिव ईंधन की भी तलाश कर रहे हैं, वैकल्पिक ईंधनों की, जिसके माध्यम से हम एथेनॉल और बायोडीजल के रूप में इनकी एफिशिएंसी अधिक होती है, ऑक्टेन नंबर अधिक होता है और ये कार्बन को कम से कम उत्सर्जित करते हैं, बहुत ही न्यूट्रल या बहुत ही निम्न मात्रा में करते हैं। तो यहाँ पर यह आपने समझ लिया। और साथ ही साथ भारत में प्रभावी विकार्बनीकरण के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक बदलाव क्या होंगे, समाज के स्तर पे, आर्थिक स्तर पे, तो पूंजी का आवंटन यानी जलवायु संबंधी वित्त में वृद्धि करना चाहिए, जो जलवायु परिवर्तन के लिए जो फंड दिया जाता है उसमें वृद्धि की जानी चाहिए, नए वित्तीय साधन विकसित करने चाहिए गवर्नमेंट को, वहीं अधिक उत्सर्जन करने वालों पर जुर्माना लगाकर पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को फंडिंग की जाए, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हैं उनको फंडिंग की जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, लेकिन जो वाहन 15 साल से ऊपर रजिस्टर्ड जिनका कैंसिल हो चुका रजिस्ट्रेशन और धुआं दे रही है उनकी गाड़ियां या उनके इंडस्ट्री, तो उसको जब्त कर लिया जाए, उस पर जुर्माना लगाया जाए। वहीं मांग में बदलाव किया जाए, आज लोगों को जो है कि नई नई अपाचे पल्सर थार रेंज रोवर ऐसी गाड़ियां खरीद रहे हैं जो आपके जीवाश्मिक ईंधन पर चल रही हैं, जबकि हमें मोटिवेट क्या करना चाहिए कि आप सीएनजी वाली गाड़ियां लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिए, ताकि अधिक से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग हो सके और विकार्बनीकरण की ओर आगे बढ़ें। तो इस डिमांड को भी डेवलप करना होगा। जलवायु संबंधी जोखिमों और अवसरों को लेकर पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए। लागत में वृद्धि को प्रबंधित करने के उपाय की पहचान करनी चाहिए। वहीं कम उत्सर्जन करने वाली तकनीक को लागत प्रतिस्पर्धा बनाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए कि एक ऐसी तकनीक जो आपके उत्सर्जन को कम कर रही है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसे मोटिवेट करें। और आर्थिक विकास और विविधीकरण का भी समर्थन होना चाहिए। कर्मचारियों को पुनः कौशल प्रदान करो और उनका पुनः तैनाती करो, उनको यानी कि ट्रेनिंग दीजिए कि कैसे आप विकार्बनीकरण में अपना सहयोग दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब डीकार्बोनाइजेशन से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनको हम छोटे छोटे टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। जैसे डीकार्बोनाइजेशन के लिए जलवायु फंड यानी कि क्लाइमेट जो फाइनेंस है या क्लाइमेट फंड है, वो कैसे हम देखते हैं कि डीकार्बोनाइजेशन के लिए क्या क्या स्थिति हो सकती है। तो भारत में जलवायु वित्त की स्थिति क्या है कि भाई जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किया जा रहा है, या यूं कहें कि भारत में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले घरेलू स्रोतों की प्रमुख भूमिका है इसमें, क्योंकि जलवायु वित्त का लगभग 85% हिस्सा वाणिज्यिक बैंकों, सरकारी बजट, सार्वजनिक क्षेत्र के अनुदान जैसे घरेलू स्रोतों से प्राप्त होते हैं। तो यानी भारत में जो फंडिंग की जा रही है क्लाइमेट के लिए, क्लाइमेट से निपटने के लिए, जो क्लाइमेट एक्शन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इससे निपटने में घरेलू स्रोतों की भूमिका लगभग 85% हो रही है, जिसमें वाणिज्यिक बैंक, सरकारी बजट, सार्वजनिक क्षेत्र के, इनकी योगदान ज़्यादा है। वहीं ऋण और अनुदान पर अत्यधिक निर्भरता है भारत सरकार की, क्योंकि जितना भी वित्त का प्रवाह हो रहा है इसके मामले में 60% से अधिक वाणिज्यिक बैंकों और मल्टीनेशनल जो संगठन है, बहुपक्षीय संगठन से ऋण के रूप में ही भारत को प्राप्त हो रहा है। और आगे हम देखें ऊर्जा क्षेत्र में संकेंद्रित कैसे होगा। जलवायु वित्त पोषण मुख्य रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र पर केंद्रित है, अर्थात कि जो जलवायु का वित्त पोषण होना चाहिए वो नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस करे, ताकि नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके। और इसमें विद्युत ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र मुख्य रूप से प्राप्त करता है, क्योंकि आप इंडस्ट्री जो है कि कुछ लिमिटेड लोग लगाते हैं, कुछ लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, कुछ लोग जो है कि अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन विद्युत सभी के लिए जरूरी है, बिजली हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, तो उसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। और इसके लिए कोयला आधारित को हटा के नवीकरणीय ऊर्जा को केंद्रित करना चाहिए, इसलिए भी यहाँ पे जो फंडिंग हो रही है वो इलेक्ट्रिक सेक्टर में ज़्यादा की जा रही है। और अगर हम बात करते हैं कि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो रही है भारत में हरित विकास के या हरित पोषण के समक्ष जो मौजूद चुनौतियाँ हैं, पहली कि भारत को वार्षिक रूप से 9 गुना अतिरिक्त जलवायु वित्त की आवश्यकता है। मान लीजिए आज अगर 1 रुपया मिल रहा है जलवायु वित्त पे, जबकि मिलना चाहिए भारत को आज 10 रुपये, क्योंकि आज की आवश्यकता उसकी 10 रुपये के बराबर है।
लेकिन उसे मिल कितना रहा है? केवल 1 रुपया। ऐसी प्रस्तावित परियोजनाओं का भी अभाव है जिसमें निवेशकों को लाभ मिले, यानी भारत सरकार के द्वारा या भारत के जो पॉलिसी मेकर हैं उनके द्वारा कुछ ऐसी योजनाएं बनाई चाहिए, ऐसे प्रोजेक्ट लॉन्च करने चाहिए जिसमें इन्वेस्टर अपना अधिक से अधिक इन्वेस्ट करे, निवेश करे और उसे प्रॉफिट भी अधिक रहे, साथ ही साथ वो नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित होना चाहिए। और अन्य चुनौतियों की अगर हम बात करते हैं तो अन्य चुनौतियां जो होती हैं दोस्तों, अन्य चुनौतियां जैसे इसमें ग्रीन को लेकर एक मानक परिभाषा का अभाव है, जिससे क्या होता है फंड जो भी आता है ग्रीन वॉश होने लगता है, यानी उसका दुरुपयोग होता है। वहीं क्रेडिट रेटिंग जोखिम फ्रेमवर्क में जलवायु जोखिम को सीमित रूप में शामिल किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप हरित निवेश में उच्च जोखिम की संभावना बन जाती है। तो सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि पहले ग्रीन यानी कि क्लाइमेट एक्शन के लिए जो फंडिंग की जा रही है, जो ग्रीन फंडिंग जिसे हम कहते हैं, वो किस सेंस में होगी? हरित की परिभाषा क्या है? हम किसे कहेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? तो ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट है। और वहीं अगर हम बात करें कि वर्तमान में अगर हम देखें इस व्यवस्था में, तो देखिए 2070 तक भारत को निवल शून्य का लक्ष्य हासिल करना है, तो 2019 में जो पूंजी जुटाई गई थी भारत के द्वारा $21 बिलियन, जो कि अब तक का सर्वाधिक है, और जबकि भारत को 10 ट्रिलियन यानी कि $10 ट्रिलियन से भी अधिक की आवश्यकता है। विश्व की बात करेंगे तो विश्व ने केवल $1 ट्रिलियन इकट्ठा किया, जबकि उसकी लागत कितनी आ रही है? लगभग $3.5 ट्रिलियन की आवश्यकता है, यानी इतनी कमी है। तो आप देख सकते हैं कि जब ग्रीन फंडिंग या क्लाइमेट फंडिंग ही कम हो रही है तो सरकार भी क्या कर रही है? अपने घुटने टेक दे रही है। लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, डीकार्बोनाइजेशन के लिए जो फंडिंग हो रही है उसमें हमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। जैसे कार्बन का मूल्य निर्धारण किया जाए, सबसे पहले कार्बन का मूल्य निर्धारण किया जाए, जिसमें कार्बन कर हो गया यानी कार्बन टैक्स, कार्बन क्रेडिट बाजार प्रणाली, आंतरिक कार्बन मूल्य निर्धारण, ईंधन सब्सिडी में कटौती की जाए, ये सारी चीज़। वहीं फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा भी जलवायु कर प्रोत्साहन लगाया जाए, बजट में हरित आवंटन किया जाए, मतलब कि हरित एक्टिविटी को बढ़ावा दिया जाए, और FDI और ECB मानदंड भी क्लियर होने चाहिए, यानी कि FDI का मतलब हो गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ECB का मतलब हो गया एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जिसे हम कहते हैं, और हरित की स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। वहीं जलवायु जोखिम फ्रेमवर्क भी क्लियर होने चाहिए कि इसमें क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, और वित्त की जो स्पष्ट परिभाषा है जिसका अभाव देखने को मिलता है, तो ये भी जब क्लियर रहेगी तभी इसमें निवेशक जो है कि अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये तो था एक छोटा सा एक और टॉपिक जिसमें हमने देखा डीकार्बोनाइजेशन के लिए फंडिंग। अब हम देखेंगे डीकार्बोनाइजेशन के लिए टेक्नोलॉजी को अपनाना। तो देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था का जो हमें डीकार्बोनाइजेशन करना है वो तो हमने डिटेल से समझ लिया, और अब हम पढ़ रहे हैं कि डीकार्बोनाइजेशन करने के लिए भारत को पहले फंडिंग चाहिए, वो हमने टॉपिक देख लिया कि कितनी इसकी आवश्यकता है, करीब करीब 9 गुने की आवश्यकता है। मिल कितना रहा है? केवल 1 ट्रिलियन मतलब $22 मिलियन मिला, बहुत कम मिल पा रहा है, जबकि ज़रूरत है लगभग $10 ट्रिलियन की। तो इस तरीके से अगर हम देख रहे हैं तो हमने देखा कि क्लाइमेट फंडिंग तो देख ली, अब हम समझेंगे कि टेक्नोलॉजी को कैसे हमें अडॉप्ट करना है, टेक्नोलॉजी को जो कि डीकार्बोनाइजेशन में हमारी मदद कर सकती है। ऐसा माना जाता है कि मौजूदा प्रौद्योगिकी वर्तमान उत्सर्जन में लगभग 25% की कमी कर सकती है, और अगर किसी देश के द्वारा, किसी विकासशील देश के द्वारा, विकसित देश के द्वारा अगर प्रारंभिक स्तर पर ही प्रौद्योगिकी को अपनाना शुरू कर दिया जाता है तो उससे अतिरिक्त 40% की कमी लाई जा सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी वार्षिक उत्सर्जन का लगभग 35% शेष रह जाता है। और अगर भारत जैसे विकासशील देश को नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसको नई टेक्नोलॉजी को अपनाना अनिवार्य है। अब वो नई टेक्नोलॉजी किससे मिलेगी? डेवलप्ड कंट्री से, चाहे वो इजराइल हो, रसिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, फ्रांस हो, ब्राज़ील हो, इन देशों से हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा, यानी हमारे इनसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जब बेहतर होंगे तो द्विपक्षीय समझौता, बहुपक्षीय समझौते के माध्यम से हमें नए नए टेक्नोलॉजी मिलेगी जिससे हम नवीकरणीय ऊर्जा की ओर आगे बढ़ेंगे और डीकार्बोनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकेंगे। जैसे उत्सर्जन पर नज़र रखने और उत्सर्जन का समन करने के लिए बेहतर डिजिटल साधनों का प्रयोग होना चाहिए। जैसे ये नज़र रखनी पड़ेगी कि कौन उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है, कौन सी इंडस्ट्री ज़्यादा उत्सर्जन कर रही है, कौन सा जो है कि आपका इंस्टीट्यूट या संस्था या फैक्ट्री उत्सर्जन ज़्यादा कर रही है, तो उसके समन के लिए, समन मतलब होगा उस उत्सर्जन को कम करने के लिए भी डिजिटल साधनों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, तभी सरकार एक जगह बैठ के एक नेटवर्क के माध्यम से इस पर क्या कर सकती है, फोकस कर सकती है।
दूसरा, आपसी सहयोग पर आधारित व्यवस्था को संभव बनाना पड़ेगा। सभी इंडस्ट्री, जितने भी उद्योग हैं या जो सर्विस सेक्टर हैं या इंडस्ट्री सेक्टर हैं, आपस में मिलकर उन्हें अपनी पूरी डेटा की साझेदारी पूरी करनी पड़ेगी। साथ ही साथ सभी मंत्रालयों को भी आपस में सहयोग करना पड़ेगा, ताकि एक जानकारी को दोबारा इकट्ठा करने के लिए दोबारा नए सिरे से इन्वेस्टमेंट न करना पड़े। एक ही जानकारी को सभी इंडस्ट्री सेक्टर आपस में शेयर कर लें, जिससे क्या होगा, कम से कम हमारा कार्बन का उत्सर्जन होगा। और उभरती हरित प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रोत्साहन, जो ग्रीन टेक्नोलॉजी जो इस समय नई नई डेवलप हो रही है वर्ल्ड में, उसका भी अधिक से अधिक डेवलपमेंट होना चाहिए और प्रोत्साहन भी भारत को मिलना चाहिए। जैसे आप देखेंगे इसमें कौन कौन सी आ रही हैं, तो एक तो री इमेजिन है, इन्वेंट है, री इंजीनियरिंग है और रीबूट है। तो क्या होते हैं इनको, इन्हीं को हम समझते हैं पहले। देखिए, री इमेजिन जो होता है, कार्बन उत्सर्जन न करने वाले नए समाधान को अपनाना जो ग्राहकों की जरूरतों को नए तरीके से पूरा करते हैं। और इन्वेंट का मतलब क्या होता है, सफल प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर तकनीक आधारित गहन दृष्टिकोण को अपनाना। री इंजीनियरिंग क्या होती है, कम कार्बन उत्सर्जन करने वाले मौजूदा और बेहतर समाधानों को तेजी से अपनाना। और रीबूट क्या होता है, तो कम कार्बन उत्सर्जन करने वाली प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादों में सुधार करना होता है। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो इसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी को भी प्रयोग कर सकते हैं। और वहीं ऊर्जा दक्षता में भी सुधार होनी चाहिए, यानी कि एफिशिएंसी होनी चाहिए एनर्जी में, इन्हांस करना होगा हमें एनर्जी को, कि ताकि हम कम से कम एनर्जी का प्रयोग करके अधिक से अधिक आउटपुट प्राप्त कर सकें। ज्ञान यानी नॉलेज को जो है कि शेयर करना होगा, और संयुक्त रूप से जवाबदेही के लिए एक समन्वय आधारित फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। वहीं निवेशकों के हित के लिए सार्वजनिक क्षेत्र से समर्थन चाहिए, कि जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं जो निवेशक, उनके हितों को भी जो है बाधित न किया जाए, उनके हितों को भी प्रभावित न किया जाए, इसका भी समर्थन पब्लिक सेक्टर के लोग दें। और साथ ही साथ घरेलू क्षमताओं का निर्माण करने और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता का निर्माण करने में सहायता हेतु उत्पादन से संबंधित प्रोत्साहन योजना, जो कि PLI 2.0 इस समय चल रही है 2023 में, और 2021 में लॉन्च की गई थी PLI 1.0। तो इसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि लगातार कंपनी के जो हार्डवेयर प्रोडक्ट होते हैं, जो यंत्र होते हैं, तो यहाँ पर आपने ये चीज़ों को समझा कि कैसे हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है आपका डीकार्बोनाइजेशन के लिए, हम कार्बन जो कार्बन मार्केट है उसका कैसे हम प्रयोग करेंगे। तो भाई सिंपल सी बात है, जो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के साथ मिलकर डीकार्बोनाइजेशन के लिए कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग व्यवस्था को तैयार करने का एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो अब ये तीसरा पॉइंट है इसी में, डीकार्बोनाइजेशन की सहायता के लिए, यानी इसमें प्रमुख फोकस किया गया है कि कार्बन की मार्केटिंग की जाए। यानी कार्बन ट्रेडिंग क्या होता है, परमिट और कार्बन क्रेडिट खरीदने एवं बेचने की एक प्रक्रिया है। इसके तहत परमिट धारक निश्चित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर सकता है। अब यहाँ से तो आपको समझ में नहीं आया कि क्या कह रहा है सर, समझिए, सामान्य भाषा में समझिए कि मान लीजिए किसी देश ने अपनी एक लिमिट से ज़्यादा जो है कि कार्बन का उत्सर्जन कर दिया। मान लीजिए किसी एक देश को, हम चाइना को ही ले लेते हैं, चाइना को 10 यूनिट तक जो है कि केवल कार्बन का उत्सर्जन करना था, लेकिन उसने 15 यूनिट कर दिया, अर्थात 5 यूनिट उसने एक्स्ट्रा कर दिया। वहीं भूटान की अगर हम बात करें, भूटान को भी करना था 10 यूनिट, लेकिन उसने केवल और केवल 5 यूनिट का ही किया है। तो अभी ये 5 यूनिट और कर सकता है, लेकिन हम ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट एक्शन को देख रहे हैं कि पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ रहा है। तो संयुक्त रूप से हम क्या करेंगे कि इस 5 यूनिट को, अब जो भूटान को उत्सर्जन करना था, तो ये भूटान उत्सर्जित ना करे, बल्कि चाइना क्या करे, इससे कार्बन क्रेडिट खरीद ले। अर्थात कि भूटान को पैसे मिल जाएंगे और चाइना को एक 5 यूनिट इसने एक्स्ट्रा यूज किया है, उत्सर्जन किया है, इसका एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि हाँ भाई, मैंने भूटान को इतने बिलियन डॉलर दे दिए हैं 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा मैंने खर्च किया था इसके लिए। ताकि क्या करेगा भूटान, जो अभी उसे 5 यूनिट और खर्च करना चाहिए था, अब वो खर्च ना करके जो उसे फंड मिला है, जो पैसा मिला है कार्बन को बेचने का, उसको वो अपने इंडस्ट्री में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग जो है। तो यही जो है कि सर्टिफिकेट, यहाँ पे बात हो रही है कि कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेट्स के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का मूल्य निर्धारित करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज भी, यानी कार्बन मुक्त किया जा सकेगा। तो बस इसमें इतना ही जानना है, और कोई जानने की चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि डीकार्बोनाइजेशन
की प्रक्रिया में जैव ईंधन से संबंधित अवसर, और इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और उम्मीद करता हूँ कि डीकार्बोनाइजेशन से संबंधित आपको पूरी बातें समझ में आ गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था का डीकार्बोनाइजेशन कैसे होगा, कैसे उसको कार्बन से मुक्त किया जाएगा, कैसे हम 2070 के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे नेट जीरो एमिशन वाले को, उसके लिए टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज करेंगे, फंडिंग कैसे होगी, कार्बन क्रेडिट कैसे होगा, ये सभी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा, मन आपका करे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ना मन करे तो मत करिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग अपना प्यार देते रहिए, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।